हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी क्लास होगी एंकर पॉइंट से रिलेटेड और ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस के रिलेटेड। आइए चलते हैं क्लास की ओर। तो मैं हूं जारविस, चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। सबसे पहले मैं आपको एंकर पॉइंट के बारे में समझाता हूं कि एंकर पॉइंट को यूज किस तरह से करते हैं और एंकर पॉइंट होता क्या है। तो जो भी आपकी लेयर है उस लेयर को आप सिलेक्ट करो और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम कंट्रोल टी का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप कीबोर्ड में से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेंटर में आपको ये एक छोटा सा एक सर्कल नजर आएगा, ठीक है। तो इस चीज को एंकर पॉइंट बोलते हैं। अब एंकर पॉइंट क्या है ये आप समझे। सबसे पहले ये एंकर पॉइंट आप एक ये फील करें कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कील लगी हुई है, ठीक है। जो आयरन की कील आती है वो लगी हुई है, ठीक है। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को घुमाओगे तो वो उसी एरिया पे घूमेगा, क्योंकि वहां पे कील लगी हुई है तो वो इसी एरिया पे घूमेगा। अगर आप उस कील को यहां से मूव कर लेते हैं इस कॉर्नर पे तो अब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पार्ट ये हो गया। अब जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को घुमाओगे तो वो उसके चारों तरफ घूमेगा इस तरह से। तो ये होता है एंकर पॉइंट। आप अपने एंकर पॉइंट को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब अगर मैंने इसको यहां शिफ्ट किया तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब ऑब्जेक्ट आपका इसके इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। तो इस तरह से एंकर पॉइंट का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि एंकर पॉइंट का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। इस लेयर का मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल जे प्रेस करके न्यू लेयर हो गई। ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं, कंट्रोल टी प्रेस करता हूं, जिससे ट्रांसफॉर्मेशंस के पॉइंट्स आ जाएंगे। कोई भी कॉर्नर पकड़कर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ उसको छोटा करता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं अरेंज कर देता हूं। अब मैं इसको इसके चारों तरफ एडजस्ट करूंगा, इस चीज को, इस फ्लावर को, छोटे फ्लावर को इसके चारों तरफ एडजस्ट करूंगा विथ मैनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स के साथ में, ठीक है। और वो एग्जैक्ट इसके चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड में से कंट्रोल टी को दबाना है, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्ट हो गया, उसका एंकर पॉइंट आ गया। लेकिन मुझे घुमाना है इसके चारों तरफ। अगर मैं यहां से घुमाऊंगा तो देखो ये उसी जगह पे घूम रहा है ना, जो रॉन्ग है वो मैं नहीं करना है, मुझे इसके चारों तरफ घुमाना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले उसके एंकर पॉइंट को और जिसके चारों तरफ घुमाना है उसके सेंटर में सेट कर दो आप, ठीक है। इस तरह से मैंने इसके सेंटर में सिलेक्ट कर दिया। अब आप ऊपर की तरफ जाओ, आप ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये जो एरिया है ये एंगल का एरिया है, ठीक है। सेट रोटेशन या एंगल जो भी आप देना चाहो, तो यहाँ पे आप अपना एंगल लिखो कि कितना एंगल डालना है, 30% 45% जितना आपको एंगल डालना है। तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए 20 लिखता हूँ, ठीक है। तो 20 के अकॉर्डिंग देखो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा कीबोर्ड में से, एंटर, और एक बार और आपको एंटर प्रेस करना है ताकि ये फ्री हो जाए, देन एंटर, ओके। ये 20% मूव हो चुका है। अब हम इसका रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। रिपीटेशन के लिए जो की है वो आपको दबानी है कीबोर्ड में से, कंट्रोल शिफ्ट एल्ट, उसके साथ में आपको टी दबाना है, तो देखिए आप एग्जैक्ट हमारे फ्लोर बन चुके हैं विथ परफेक्ट गैप के साथ में, एक भी गैप ऊपर नीचे नहीं है और परफेक्ट उसके चारों तरफ आपका ये ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ये आपके फ्लावर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एंकर पॉइंट का यूज कर सकते हैं, किसी भी एरिया पे, किसी भी जगह पे आप अपना एंकर पॉइंट सेट कर सकते हैं, ओके गाइज। अब चलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे कोई इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई इमेज हो, कुछ भी हो,
आप ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी लेयर पे कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट की लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी प्रेस करें। तो जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इस तरह से आपके सामने ऑब्जेक्ट पे कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना। वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल टी करने के बाद में शिफ्ट और एल्ट दबाएं और कोई भी कॉर्नर पकड़ें आप, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को इजीली चारों तरफ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इक्वली। अगर आप शिफ्ट और एल्ट का यूज नहीं करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना है, कंट्रोल टी के बाद में कोई भी कॉर्नर पकड़े आप और शिफ्ट और एल्ट का यूज करें। अगेन अब हम दूसरे ऑप्शंस की ओर जाते हैं। कंट्रोल टी करूंगा मैं, राइट क्लिक किया, सबसे पहला आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। ये वही फ्री ट्रांसफॉर्म है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। ठीक है, दूसरा है स्केल, ये भी सिमिलर ही है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो आप इसको ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से स्केल कर सकते हैं। ठीक है, और शिफ्ट का यूज करोगे आप तो वो इक्वली ही बड़ा छोटा होगा एक साइड से ही, लेकिन वो जो शेप आपका था उसी शेप में वो बड़ा छोटा होगा अगर आप शिफ्ट का यूज करते हैं तो साथ में। ठीक है, अगेन मैंने कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, एक आता है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन को आप दो तरह से यूज कर सकते हो। कंट्रोल टी करने के बाद में आप अपना कर्सर कॉर्नर की तरफ ले जाएं और कॉर्नर से थोड़ा बाहर ले जाएं तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर टर्न हो जाएगा, यानी कि यहां से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये रहा। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल टी करने के बाद में अगर आप रोटेशन पे क्लिक करते हैं तो सीधा रोटेशन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और आप वहां से रोटेट कर सकते हैं। तो दोनों एक ही ऑप्शन है, कोई भी आप यूज कर सकते हो इजीली। अगेन मैंने कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, एक आता है स्क्यू। स्क्यू में क्या होता है, जैसे आप स्क्यू पे सिलेक्ट करते हैं, आप जो बीच के पॉइंट्स हैं उसको पकड़कर आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव कर सकते हैं। आपको अगर शेप चेंज करना है तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब देखो मैं इस तरफ आ रहा हूं, एंकर पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, लेकिन ये एंकर पॉइंट की तरफ नहीं आ रहा है, ये ओनली स्ट्रेट ही चल रहा है, चाहे मैं ऊपर की तरफ जाऊं या नीचे की तरफ जाऊं या मैं राइट में जाऊं या लेफ्ट में जाऊं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक। फोर्थ है हमारा डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में क्या होगा कि आप कोई भी कॉर्नर पकड़ोगे और आप उस ऑब्जेक्ट को किसी भी वे में कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो। स्क्यू में ये चीज नहीं हो रही थी, स्क्यू में ये पीछे की तरफ नहीं आ रहा था, लेकिन आप डिस्टॉर्ट में अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी मूव कर सकते हो। इस तरह से आप एक दीवार बना सकते हो, 3D में दीवार बना सकते हो आप। कुछ भी आपको 3D में कन्वर्ट करना है तो वो काम आपके डिस्टॉर्ट वाला ऑप्शन करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिस्टॉर्ट वाला ऑप्शन काम करेगा। कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में क्या होगा, कोई भी कॉर्नर आप पकड़ोगे और जिस तरफ आप मूव करोगे उसके जस्ट सामने वाला ही एरिया मूव होगा। इस तरह से अगर आप सेंटर को पकड़ोगे तो कुछ नहीं कर सकते, आप ओनली उसको मूव कर सकते हो, लेकिन कोई कॉर्नर पकड़ोगे तो उसके जस्ट सामने वाला ही कॉर्नर मूव होगा, उसी के प्रस्पेक्टिव में वो चलेगा। ठीक है, अगेन मैंने कंट्रोल टी किया। इसके बाद आता है रैप। रैप में क्या होता है कि आप अपने इस ऑब्जेक्ट को किसी भी एरिया की तरफ कर्व बना सकते हैं। ये एक रास्टर लेयर है। ठीक है, तो आप रास्टर को इजीली कर्व दे सकते हो आप। इस तरह से, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे वो रिलीज हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रैप का यूज कर सकते हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक,
रोटेट 180। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये 180 की तरफ ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अगेन राइट क्लिक किया, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि ये वाला एरिया इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको नॉक दिख रहा है लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ हो जाएंगे। राइट क्लिक फ्लिप। ठीक है, और इसके बाद है फ्लिप वर्टिकल, यानी कि जो चीज नीचे की तरफ है वो ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो राइट क्लिक देन फ्लिप वर्टिकल, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये है मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस के ऑप्शन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बेसिक बना के दिखाता हूँ कि कंट्रोल टी से आप किस तरह का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल टी के बाद में जो भी ऑप्शंस आते हैं उनका यूज आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए आप इस क्लास को, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कलर सेलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन हटा दूंगा, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया और मैंने प्रस्पेक्टिव को सिलेक्ट किया। यहां से मैं इसको छोटा करूंगा और यहां से मैं बड़ा करूं। ठीक है, अगेन राइट क्लिक करूंगा और डिस्टॉर्ट को सिलेक्ट करूंगा ताकि मैं थोड़ा इसको गैप मैनेज कर सकूं इस तरह से। ठीक है, देन एंटर प्रेस करके इसको रिलीज कर दूं, हो गया। एक लेयर और लूंगा, सिलेक्शन लूंगा और एक ऑब्जेक्ट और बनाऊंगा। ठीक है, सिलेक्शन बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को सिलेक्ट करूंगा। इससे क्या होगा, जो सिलेक्शन है उसको मैं बढ़ा सकता हूं। ठीक है, कलर सिलेक्ट करूंगा थोड़ा डार्क, देन कलर फिल। तो ये एक मैंने 3D में दीवार बनाई है, किसकी हेल्प से, कंट्रोल टी के अंदर जो प्रस्पेक्टिव होता है उसकी हेल्प से। ठीक है, इसी को मैं कंट्रोल जे करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, राइट क्लिक और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। न्यू लेयर लूंगा, लक्षण से इसका सरफेस बनाऊंगा। पीछे वाला अगर एरिया मुझे कवर करना है, फिर एक न्यू लेयर लूंगा और एक ऑब्जेक्ट और बनाऊंगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा नॉलेज था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंट्रोल टी का यूज करेंगे और आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी एरिया में मूव कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप में बदल सकते हैं। ओके गाइज, तो यही थी आज की हमारी क्लास। इन कंट्रोल टी वाले ऑप्शंस को समझें क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत काम के हैं। जब आप डिजाइनिंग करोगे तो ऑब्जेक्ट के साथ काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, उसको छोटा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, उसको मूव करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसका आप प्रैक्टिस करें
और अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, बाय बाय।